कराची में ईद के तीसरे रोज ईदी विलेज में रंगारंग मेले का इनेकाद किया गया। मेले में ईदी शेल्टर होम में दाखिल बच्चों और खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की, गानों पर रक्स किया, खाया पिया और खूब मौज मस्ती की। मोहम्मद रजा की रिपोर्ट। हंसते मुस्कुराते ये बच्चे ईदी विलेज में मुनक्किदा ईद मेले में खुशियों के रंग बिखेर रहे हैं। कोई गानों पर रक्स कर रहा है तो कोई मौज मस्ती। नन्हे मुन्ने बच्चों का कहना है कि ईद को खूब इंजॉय किया, नए कपड़े पहने, शीरखोरमा भी खाया। हम लोग ने ईद की बहुत अच्छी तैयारियां की थी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाई, पूरी मेहंदियां भी लगाई, कपड़े भी पहने, ज्वेलरी हर चीज़ खरीदी हमने। बहुत तीनों ईद हमने अच्छी सी मनाई। आज का दिन भी बहुत अच्छा लग रहा है हमें। पहली ईद भी अच्छी गुजरी, दूसरी ईद भी अच्छी गुजरी, अब तीसरी ईद अच्छी गुजर रही है, वो भी फैसल भाई भाभी की बदौलत। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आज हम बच्चों के साथ हैं, नए कपड़े भी पहने और ईद मेला लगा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें भी हैं। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कहना है हर साल बच्चों के साथ ईद मनाई जाती है और तहाइफ भी दिए जाते हैं। पहले हम इज्तिमाई ईद नहीं मनाते थे, हम हर सेंटर अपनी अपनी ईद मनाता था। इस दफ़ा पिछले दो सालों से हम ईदी विलेज में जमा होते हैं और यहाँ पे मिल के जो है वो ईद का मेला करते हैं और सब ईद मनाते हैं। इसमें खाने पीने की चीज़ें होती हैं, टेबलो करते हैं बच्चे, डांस वांस करते हैं, गाने बजते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, केक कटते हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। तकरीब में बच्चों ने केक भी काटा, जबकि बच्चों के लिए खाने पीने के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे।